हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टेस्टी बाइट दिल्ली में आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं कैबेज मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ कैबेज मंचूरियन। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पत्ता गोभी ले लिया, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में पीस लिया है। पीस क्या मतलब, या तो आप चॉप कर लीजिए, या जो है एकदम पीसना नहीं है, उसके क्रंच होने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए एकदम बारीक। फिर वहाँ पे हमने थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच हम इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम 2-3 3 चम्मच हम मैदा डाल रहे हैं। उसके बाद 2 चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये हमें गीला लग रहा है, तो हम इसमें जो है 2-2 चम्मच और मिला देते हैं। 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ये डाल देते हैं, थोड़ा सा हमारा ये और सूखा हो जाए। ये हमने सारे मिक्स कर दिए हैं। इसमें हमने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाला है फ्रेंड्स। इन सबको डाल के स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। इधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम देखिए इसको बस ऐसे ही उंगलियों से हल्का हल्का रोल करते हुए और तल लेंगे, और इसको हम लाइट गोल्डन ही अभी निकालेंगे, डार्क नहीं करेंगे। इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे करके हम सारे जो अपना वो तैयार किया है कैबेज का, उनके छोटे छोटे पीसेस बना के पकौड़े की तरह इनको हम तल लेंगे। और देखिए हमने केवल लाइट गोल्डन ही निकाला है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं किया है, और ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। इस तरीके से हमने सारे निकाल लिए हैं, और हमने ऑयल को ठंडा होने दिया था। फिर से दोबारा ऑयल को गर्म करके और इनको हम जितना आएगा तेल में उतना ही डालेंगे। अब इनको हम डार्क गोल्डन कर लेंगे। दोबारा फ्राई करने पे ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इनको हम उलट पलट के डार्क होने तक तल लेते हैं। डार्क हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ था उसको भी हम डाल देते हैं। उसको भी ऐसे करके निकाल लिया, डार्क हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बना। इधर हमने अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी फली ले ली थी। आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो भी बारीक कट के ले सकते हैं। हमने सबको बारीक बारीक काट लिया है पहले से ही, और तेल में हमने डाल दिया है लहसुन और अदरक को, मिर्ची को। ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से चला देंगे। प्याज हमारा हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च जो कट करके रखे थे, और लंबी लंबी हमने स्लाइस भी काटी थी 2-3 मिर्चों की, और जो फली कटे थे काट रखी थी, सबको डाल देंगे ताकि फली भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर हमने उसमें भी डाला था, पकौड़ों में भी, तो हम इसमें भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इधर हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर कटोरी में ले लिया है, और इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डाल के इसको घोल लेते हैं अच्छे से। इतना पतला हमने घोल लिया है। इधर देखिए हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब, और ये 2 चम्मच हम चिली सॉस डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाल दिया है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे
अच्छे से हमने मिला दिया चलाते हुए, और गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। 2-3 चम्मच के करीब हमने पानी इसमें डाल देंगे और इसको हम चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से पकड़ने लग जाएगा और ये गाढ़ा होने लग गया। अब हम जो कॉर्नफ्लोर घोल कर रखे थे घोल कर, उसको हम 1-1 चम्मच डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और इनको हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारे कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। एक बार में हम नहीं डालेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देखिए हमारा ये जो बैटर था ये कितना मतलब गाढ़ा हो गया है। ये ओनियन है, ग्रीन ओनियन की पत्ती जो हमने कट कर रखी है थोड़ी सी डाल दिया है, और इन सारे पकौड़ों को हम इसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। आराम से आराम आराम से मिलाएंगे ताकि हमारे पकौड़े टूटे नहीं। अच्छे से हम सब मसालों की कोटिंग हो गई है इन पे, देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स आप लोग भी आइए। अब मैंने इनकी प्लेटिंग कर ली है, ऊपर से ओनियन की फ्लेक्स डाल दी है। ये देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।